आज डल लेक फ्रंट के चार प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है, इसकी मैं बधाई आपको देता हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ये प्रोजेक्ट श्रीनगर के या कश्मीर के निवासियों को समर्पित किया जा सका है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये प्रसन्नता की बात है कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने निहायत खूबसूरती से अर्बन लैंडस्केप की प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर लेक और वाटर बॉडीज, ये दोनों को जोड़ा है। वास्तव में प्राचीन भारतीय वास्तुकला का ये अभिन्न अंग हुआ करता था। इस बात की भी मुझे खुशी है कि सनसेट प्लाजा उत्तरी तट के अगले भाग माने निषाद बाग से नसीम बाग बुलेवर्ड राइट वॉकवे तथा इको पार्क का डेवलपमेंट इस तरीके से किया गया है कि प्रकृति और वाइब्रेंट सोशल लाइफ के बीच में एक बैलेंस स्थापित हो सके तथा श्रीनगर शहर सस्टेनेबल अर्बनिज्म के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मैं श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन CEO तहर आमिर खान और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं और उनकी प्रशंसा भी करना चाहता हूं, जिन्होंने लेक फ्रंट को सिर्फ पब्लिक इंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण से नहीं देखा है बल्कि शहर के व्यापक सर्वसमावेशी अर्बन क्वालिटी तथा विजुअल अपील को ध्यान में रखते हुए झीलों और नदियों से श्रीनगर के रिश्ते को करीब 60 साल बाद फिर से पुनर्जीवित किया है, फिर से रिवाइव किया है। 60 साल पहले मैंने इसलिए कहा क्योंकि अनेक इतिहासकारों ने, अनेक ट्रेवल राइटर्स ने 1960 में जब श्रीनगर की यात्रा की थी तब ज़्यादातर टूरिस्ट कहते थे कि झीलों, नदियों और उसके साथ बसे श्रीनगर का सौंदर्य ऐसा है कि न आँखें तृप्त होती हैं न ही वे थकती हैं। बाद के वर्षों में लेक और वाटर बॉडीज तथा शहर के उनके संबंध की स्वाभाविक रूप से उपेक्षा हुई या मेरे साथ प्रशासन के जितने भी हमारे सहयोगी उपस्थित हैं उन्होंने हो सकता है ट्रेनिंग के समय लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन एकेडमी मसूरी की लाइब्रेरी में एक पुस्तक पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं होगी तो देखी जरूर होगी, जर्नी ऑफ कश्मीर, वहाँ भी रखा हुआ है। उसके राइटर थे हेम संतोष। बुलेवर्ड रोड, निषाद बाग तथा नसीम बाग घूमने के बाद उन्होंने लिखा, यहाँ आने पर ऐसा लगता है कि मानो डल झील कमल के पत्तों की साड़ी पहनकर गर्वित हो रही है और उसका वर्णन शब्दों में शायद कोई कवि ही कर सकता है। डल के सुकून को आप स्वर्ग की संज्ञा दें या चिर शांति की, अंतर केवल भाषा या शब्दों का है पर अर्थ एक है। डल झील में शिकारा के बाद मन कुछ और चाहे तो रोड पर टहल लीजिए, पार्क में चले जाइए, यहाँ एक रेस्टोरेंट है वहाँ चाय का ऑर्डर देकर आराम से डल की बाहर देखिए। मुझे एक फ्रांसीसी दंपत्ति ने माने फ्रांसीसी कपल ने कहा कि यह नज़ारा पेरिस के सीन नदी के किनारे टूलरीज गार्डन की याद दिलाता है। मित्रों, ये 63 साल पहले लिखे हुए शब्द हैं। उनसे पहले 1920 के आसपास यहाँ घूमने आए एक ब्रिटिश राइटर थे स्कॉट, उन्होंने लिखा कि मैं इस जगह की खूबसूरती शब्दों में कह पाने में असमर्थ पाता हूँ अपने आप को। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जैसे ही मैंने निषाद बाग के एरिया में कदम रखा स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। अगर उसे विजुअलाइज किया जाए तो मैं समझता हूँ कि श्रीनगर शहर के इकोलॉजिकल पोटेंशियल को आज के सभी चारों प्रोजेक्ट्स तथा पहले के भी कई प्रोजेक्ट्स से बखूबी इस्तेमाल करके इंक्लूसिव पब्लिक स्पेस तैयार करने में श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड सफल रहा है और स्मार्ट गवर्नेंस, ग्रीन पब्लिक स्पेस के बेहतर समन्वय से देश के अन्य बड़े शहरों को भी श्रीनगर आज प्रेरित करने लगा है। अगर हम समय में 1200 साल पहले जाएं
तो कल्हड़ ने अर्बन लैंडस्केप का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। राजतरंगिणी में कल्हड़ ने लिखा है, तद्विना नगरम कुत्र पवित्रा सुरभा भूय सुभगा सिंधुभेदा क्रीड़ावस विथूपी। पृथ्वी पर इसके अतिरिक्त और कहाँ क्रीड़ागृह, पथों के तट तथा पवित्र एवं सुंदर नहरें उपलब्ध हो सकती हैं। मित्रों, इसके अलावा तृतीय तरंग में कल्हड़ ने बड़े विस्तार से शहर की अन्य सुविधाओं और उनके समन्वय से शहर के सौंदर्य और बेजोड़ आम नागरिक जीवन की चर्चा भी की है। मुझे प्रसन्नता है कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स के इन प्रयासों से श्रीनगर के प्राचीन गौरव को धीरे धीरे प्राप्त करने की दिशा में हमने एक लंबा फासला तय किया है। श्रीनगर अपने पुराने प्राकृतिक सौंदर्य को प्राप्त कर रहा है तथा कश्मीर घाटी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए विकास के केंद्र के रूप में उभर रहा है। मैं जानता हूँ आने वाले दिनों में सनसेट प्लाजा एक ऐसा फेवरेट डेस्टिनेशन बनेगा जहाँ टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी और केवल संख्या नहीं बढ़ेगी, स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी असीम मात्रा में मिलेंगे। इससे स्थानीय शहरी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में साम्यवाद की तरह दल के साम की भी चर्चा मुझे लगता है कि अब देश में होने लगेगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। लेक सनसेट प्लाजा के 1000 स्क्वायर मीटर के एरिया में सभी तरह की पब्लिक एमिनिटी जैसे इंटरेक्टिव सिटिंग स्पेस, पार्किंग मैनेजमेंट, स्टेट ऑफ आर्ट इल्यूमिनेशन और लैंडस्केपिंग की गई है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने लोगों को सुकून के साथ साथ सुविधा देने के लिए फूड कायास्क भी प्लान किया है जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उसी प्रकार उत्तरी तट के लेक फ्रंट डेवलपमेंट में पेडेस्ट्रियन वॉकवे, साइकिल ट्रैक, व्यूइंग डेक्स निर्मित किए गए हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट में से यह एक है। 5.1 किलोमीटर का यह साइकिल ट्रैक निसाद से नसीम बाग को कनेक्ट करेगा जिससे पैदल या साइकिल से चलने वाले स्थानीय नागरिक तथा टूरिस्ट सुरक्षित और आरामदेह तरीके से डल के सौंदर्य का अनुभव कर सकेंगे तथा आने वाले समय में मैं मानता हूं कि पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र साबित होगा। आज इस प्रोजेक्ट के पहले फेज वन यानी निसाद से शालीमार कनाल के 2.5 किलोमीटर स्ट्रेच को पूरा करके लोकार्पित किया गया है। आज एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट समर्पित किया गया है आपको। बुलवर्ड रोड के बाएं तरफ मुख्य पेडेस्ट्रियन वॉकवे है जहाँ दिन भर टूरिस्ट आते रहते हैं और वहाँ हैंडीक्राफ्ट के शोरूम भी हैं जहाँ वह रुक कर शॉपिंग भी करते हैं। लेकिन डल के राइट साइड में पेडेस्ट्रियन फुटपाथ थाई ने भी हमारे CEO साहब ने बताया आपको, जिससे स्थानीय नागरिकों को तथा पर्यटकों को काफ़ी परेशानी होती थी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने डल गेट बडियारी चौक से निसाद बाग के 9.30 किलोमीटर स्ट्रेच पर वॉकवे निर्मित किया है और सभी एमिनिटीज़ के साथ आम लोगों को टहलने, घूमने, शॉपिंग के बेहतर अनुभव प्रदान करने की व्यवस्था भी की है। चौथा प्रोजेक्ट शालीमार का इको पार्क है जहाँ हम सब मौजूद हैं, जिसे लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी तथा श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मिलकर के तैयार किया है। डल लेक फ्रंट के मुख्य स्थल पर स्थित होने की वजह से लोकार्पण के पहले से ही ये पर्यटकों का हॉट स्पॉट बन चुका है। मैं मानता हूँ कि स्मार्ट सिटी या मॉडर्न शहर की दो बेसिक आवश्यकताएँ, नॉलेज कनेक्टिविटी तथा इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, इन दोनों के लिए आवश्यक है कि दो बेसिक ज़रूरतें सीमलेस फंक्शन तथा एस्थेटिक्स सभी अर्बन डिज़ाइन के प्रमुख अंग बने। आज बढ़ते अर्बनाइजेशन तथा मॉडर्न सिटी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लेक, वाटर बॉडीज और इकॉनमी तथा ईज ऑफ लिविंग का मुख्य ड्राइवर माना जा रहा है। विश्व के अनेक बड़े शहर जहां लेक और वाटर बॉडीज समय के साथ विश्व के अनेक शहरों में लुप्त हो गई,
वहाँ नए सिरे से उन्हें डेवलप करने तथा कमर्शियल बाजार की तरह उन्हें भी शहर की व्यवस्था के मुख्य हिस्से के रूप में विकसित करने की कोशिश हो रही है। मुझे स्मरण है ब्रिटिश एयरवेज के एक पायलट हैं मार्क, उन्होंने दुनिया के अलग अलग शहरों में अपने ट्रिप के अनुभव के आधार पर एक किताब लिखी है, आप में से शायद कुछ लोगों ने उसे पढ़ा हो, या इमेजिन ए सिटी। मार्क ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, वैसे सोल कहते हैं उसको, का जिक्र सिटी ऑफ रिवर्स चैप्टर में किया है। उस चैप्टर को पढ़ते हुए मुझे सियोल शहर और जम्मू कश्मीर में दो समानता दिखी। पहला, उनका राइटिंग सिस्टम, उनकी लिपि को हंगुल कहा जाता है जो हमारा स्टेट एनिमल है। दूसरा, सियोल शहर का हन रिवर बिल्कुल डल लेक की तरह है और उसका जो वॉकवे बनाया गया है वो लगभग 8-9 किलोमीटर का है। यहाँ बुलवर्ड में पिकनिक टेबल, लोगों के बैठने की जगह और आइसक्रीम शॉप बनाए गए हैं। मार्क ने लिखा है कि लोग उस जगह को ओएसिस कहते हैं और यह नेचुरल हेरिटेज और मॉडर्न फैसिलिटीज़ का जीता जागता उदाहरण है। मैं समझता हूँ कि वह दिन दूर नहीं है जब ऐसी ही चर्चा श्रीनगर की भी आने वाले दिनों में होगी कि दुनिया के सबसे खूबसूरत सिटी ऑफ रिवर्स की लिस्ट में श्रीनगर भी शामिल होगा। एक बार पुनः मैं श्रीनगर सिटी प्रोजेक्ट्स की यहाँ के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूँ और हमारे जिन साथियों ने, जिन सहयोगियों ने मेहनत से इस काम को पूरा किया है उनको विशेष रूप से साधुवाद देता हूँ। मेहता जी ने जो बात आधी कही उसको मैं पूरा करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक बात हमें बराबर ध्यान में रखना होगा और मैं बार बार, कम से कम 1000 बार तो मैं कह चुका हूँ, श्रीनगर शहर में भी कम से कम 50 बार, कि बिना शांति के विकास हो नहीं सकता है। और इसलिए सबसे अहम और ज़रूरी, प्राथमिक और अनिवार्य शर्त है कि शांति बनी रहे। और शांति स्थापित करना केवल पुलिस फोर्स और प्रशासन का काम नहीं, इसमें नागरिकों की भी अहम भूमिका है। हम सब कुछ पुलिस फोर्स और प्रशासन पर छोड़ दें, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएं, तो यकीन मानिए शांति स्थापित होने वाली नहीं। अगर हम अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहेंगे तो ये शांति अस्थायी होगी। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोफेटियर्स थे उनका जमाना लग गया है। अभी भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ये शांति में खलल पड़े, कश्मीर में, जम्मू में कुछ हो ना हो, दुनिया में कहीं कुछ हो तो उसको लेकर के वो यहाँ का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमें समझने की आवश्यकता है। और टूरिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है उससे यहाँ की इकॉनमी बढ़ रही है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो पूरे देश में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, श्रीनगर उसका एक उदाहरण बन रहा है। तो हमें गर्व इस बात पर होना चाहिए, न कि इस बात पर होना चाहिए कि ऐसा आदमी हमारे यहाँ पैदा हुआ जिसने 100 लोगों को मार दिया। मुझे लगता है कि जब हम ऐसे कामों से विमुख होंगे और ऐसे कामों की तारीफ करेंगे तो यकीन मानिए ये अभी शुरुआत है, अभी मंजिल बहुत दूर है। मंजिल भी आप जरूर प्राप्त करेंगे, इसके प्रति मुझे पूरा भरोसा है। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए और ये निवेदन करते हुए, ये बड़ा आवश्यक है। जिस दिन शांति में खलल आई, यकीन मानिए ये न टूरिज्म रहेगा, न विकास होगा, न यहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, न रोजगार के अवसर मिलेंगे। और कुछ लोग अभी भी इसके पीछे पड़े हुए हैं, बेबुनियाद बातें, जिनका बेसिर पैर की बातें, जिनका कोई मतलब नहीं, कुछ भी बोल देना, बिना सबूत के बोल देना। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ और मैंने बार बार ये बात कही कि सामान्य आदमी को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई हमने गलत निर्णय किया है, तो आप आइए, खुले मन से हम बात करने को तैयार। लेकिन अफवाहें फैला करके, लोगों को गुमराह करके, उनको दिग्भ्रमित करना, ये मुनासिब नहीं है समाज के लिए। इतना ही निवेदन करके मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात को पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।